जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस भोर के प्रकाश के लिए, आज की सुंदर सुबह के लिए जो खुदावन यीशु मसीह ने, हमारे पिता ने हमारे जीवनों में दी है। हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं इस बात के लिए, उस परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करें। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उन्हें यूरिन इन्फेक्शन था और उन्हें पाइल्स की बीमारी थी, जिस कारण वे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। परंतु उन्होंने बताया कि जब से उन्होंने प्रार्थना सुनना शुरू किया और प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह ने इन दोनों बीमारियों से उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई दे दी। अब उनके शरीर में किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, वे बिल्कुल स्वस्थ और भले चंगे हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। इसलिए आप भी लगातार प्रार्थनाओं को सुने और वचनों को सुने, प्रभु आपके जीवन में भी काम करेंगे। आप अपने प्रार्थना निवेदन हमें भेज सकते हैं कमेंट्स के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा और फोन कॉल्स के द्वारा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी अपनी प्रार्थना निवेदनों को भेज सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं परिवार के लड़ाई झगड़ों के बारे में। दोस्तों, हम एक परिवार के बारे में देख रहे हैं, उत्पत्ति उसके 26 अध्याय में, इसहाक और रेबिका के परिवार के बारे में। उनके दो बेटे हैं, एक का नाम है एसाव और दूसरे का नाम है याकूब। और कल शाम की प्रार्थना में हमने देखा कि किस प्रकार से याकूब ने धोखे से अपने बड़े भाई का पहलौठे का अधिकार ले लिया। और कुछ समय बाद ऐसा हुआ उनके जीवन में, जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें धुंधली पड़ गई, तो उसने सोचा कि मैं अपने बड़े बेटे एसाव को उसका अधिकार दे दूंगा, आशीषित करूंगा। इसलिए उसने एसाव से कहा कि तू मेरे लिए एक शिकार करके ला, उसके बाद मैं तुझे आशीषित करूंगा। जब इस बात का पता रेबिका को चला, तो रेबिका ने याकूब से कहा कि तू अपने भाई के कपड़ों को पहन के अपने पिता इसहाक के पास जा और वो आशीष को तू ले ले जो एसाव को मिलने वाली है। और याकूब ने ऐसा ही किया। याकूब अपने पिता के पास अपने भाई के कपड़ों को पहन कर गया और उससे कहा कि मैं एसाव हूं। और इसहाक उसे पहचान नहीं पाया क्योंकि उसकी आंखें धुंधली हो गई थी। और जो आशीष एसाव की थी, इसहाक ने उस आशीष को याकूब को दे दिया। जब एसाव घर आया और उसे इस बात का पता चला कि मेरे छोटे भाई याकूब ने मेरी आशीष को धोखे से ले लिया, तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने प्लान किया कि मैं अपने छोटे भाई को मार डालूंगा। जब इस बात का पता रेबिका को चला, तो रेबिका ने याकूब से कहा कि तू इस घर को छोड़कर चला जा, अपने मामा के यहां चला जा, कहीं ऐसा ना हो कि एसाव तुझे मार डाले। इसलिए याकूब उस घर को छोड़कर चला गया। मेरे प्रियो, इस परिवार में हम लोग देखते हैं कि दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो गए, मन मिटाव उत्पन्न हो गया, जलन द्वेष भावना उत्पन्न हो गई, यहां तक कि एक दूसरे को जान से मारने की भावना भी उनके अंदर पैदा हो गई। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से हमें आज भी कई परिवारों में देखने को मिलता है। हो सकता है आपके परिवार में भी ऐसी स्थिति हो, जब परिवार के सदस्य आपस में लड़ाई झगड़े करते हो, भाई बहन एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते हो, मम्मी पापा और भी सदस्य अनेक प्रकार से एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते हो, अनेक कारणों से एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते हो। परंतु मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप मसीह में हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, तो आपको अपने व्यवहार को चेंज करना होगा। आपको स्वयं अपने व्यवहार को बदलना होगा। आपको उस लड़ाई झगड़े के व्यवहार को, उस जलन के व्यवहार को, उस धोखा के व्यवहार को, उस द्वेष भावना की व्यवहार को आपको बदलना होगा। तभी आप सही मायने में सच्चे मसीह हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, यदि तेरा भाई तेरे विरोध में कई बार पाप करे, तो तू उसे 7 के 70 गुने बार क्षमा कर, यानी कि तू उसे क्षमा करता रह। और बाइबल हमें बताती है कि एक दूसरे के गुनाहों को क्षमा करो। यदि तुम्हारे पास एक दूसरे पर दोष लगाने का कारण भी हो, तो भी एक दूसरे की सह लो। हाँ मेरे प्रियो, तभी आप सही मायने में मसीह हैं और तभी आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। बाइबल कहती है कि पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है, और आप एक ऐसे पेड़ हैं जो मसीह कहलाता है, जो पवित्र आत्मा का मंदिर कहलाता है। इसका मतलब आप पर वो फल लगे हुए होने चाहिए, जिन फलों के द्वारा लोग आपको पहचाने कि आप मसीह हैं और आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। वो फल क्या हैं? वो फल हैं प्रेम, धीरज, शांति, भलाई, कृपा, नम्रता, दीनता, संयम। ये सारे फल आपके अंदर लगे हुए होने चाहिए, तभी आप सही मायने में मसीह हैं और तभी आप
आप सही मायने में मसीह यीशु को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अपने व्यवहार को आप स्वयं चेंज करें, आप एक ऐसा पेड़ बने जिस पर ये फल लदे हुए हों, ताकि लोग आपको देखकर कहें कि ये प्रभु यीशु मसीह का बेटा है, बेटी है। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए अपने व्यवहार को आप चेंज करें। हो सकता है आज भी आपके घर में लड़ाई झगड़े हों, परंतु आपको अपने व्यवहार को चेंज करना है, एक दूसरे की सहना है, एक दूसरे को क्षमा करना है और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहना है। आपको अपना जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार व्यतीत करना है, एक दूसरे को क्षमा करना है, एक दूसरे की भलाई की कल्पना करनी है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने परिवारों के लिए आप लगातार प्रार्थना करें कि प्रभु आपके परिवारों को शांति, मेल मिलाप, प्रेम से भर दे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे यीशु पिता, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु। पिता, हम आपके चरणों के समीप आते हैं, आपके उस पवित्र सिंहासन के निकट आते हैं परमेश्वर। प्रभु, हम अपनी आँखों को, अपनी निगाहों को तेरी ओर लगाते हैं परमेश्वर पिता। लॉर्ड, आज के दिन में हम अपने मनों को खाली करते हैं परमेश्वर। हमारे मनों में आप आइए प्रभु, आप हमारे अंदर होकर वास करें परमेश्वर, ताकि आज के दिन भर में परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे संग में होने पाए। पिता, थैंक यू जीसस। पिता, आप हमारे अंदर हैं प्रभु, आप हमारे साथ में हैं। लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, वो स्वर्ग में जो तेरे चेहरे पर तेज है, जो प्रकाश है लॉर्ड, होने दे आज की सुबह में इन भाई बहनों के ऊपर वो तेज चमके, इनके मुख से परमेश्वर वो तेज चमके प्रभु, कि ऐसे ये दिखने पाए प्रभु जैसे जीवित है परमेश्वर की संतान। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। मेरे प्रभु, आज की सुबह में प्रभु इन भाई बहनों की आप सुधि लीजिए, इनके संग में होइए प्रभु। आज दिन भर में ये जिस काम को भी करते हैं प्रभु, उस काम पर आपका आशीष हो। मेरे पिता, आज के दिन में आप हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, हर एक को आप दिल डॉल में बढ़ाइए प्रभु। मेरे खुदावंद यीशु मसीह, हर एक काम में आप इनको सफलता दे प्रभु। और पिता परमेश्वर, हम दुआ करते प्रभु, छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक प्रभु, सबको अच्छा स्वास्थ्य दे परमेश्वर। इस कोरोना वायरस से आप प्रोटेक्ट करें, आपके पवित्र, अति पवित्र क्रूस से बहते हुए लहू से हम सबको हम ढांप लेते प्रभु। प्यारे प्रभु, इन भाई बहनों पर जो आप पर विश्वास करते हैं, आपका लहू लगाते हैं, इनके बच्चों पर, इनके परिवार पर आपका लहू लगाते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। आपकी प्रोटेक्शन में हम सब हैं मेरे प्रभु। दिन भर की दुर्घटनाओं, खतरे, मुसीबतों से प्रोटेक्ट हमें करे परमेश्वर। और प्रभु, जब हम घरों से बाहर निकलते प्रभु, तो पिता होने दे पिता परमेश्वर, आपकी स्वर्ग, आपके स्वर्गदूत हमारी हिफाजत करे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट। आप हमारे साथ प्रार्थना में, हमारी अगुवाई करने के लिए हमारे साथ हैं, हम में होकर प्रार्थना करें, हमें यीशु पिता के साथ में आत्मा और सच्चाई से मिलने में और मदद करें परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू फादर। आज के वचन के लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु। आज के सुबह में प्रभु, जो वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत किया प्रभु, आपने प्रभु जो हमें बताया, आपने हमें जो सिखाया प्रभु, हम उस पर अमल करने वाले, उसके अकॉर्डिंग चलने वाले हो सके परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस प्रभु, इस वचन के द्वारा इस भाई बहनों के जीवन में आपकी आशीष आए, ये सुनने वाले ही नहीं परंतु उसके अनुसार चलने वाले और उसके अनुसार अपने जीवन को बनाने वाले हो सके। मेरे परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु जी हमने एसाव और याकूब के जीवन में देखा परमेश्वर, कि प्रभु उनके जीवन में प्रभु बहुत सारी कड़वाहट, बैर भाव पिता उत्पन्न हुए पिता, और जैसा हमने सुना परमेश्वर, होने दे पिता ऐसी गलत भावनाएं प्रभु आपके बेटे और बेटियों के अंदर ना होने पाए। आज की सुबह में हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक लड़ाई झगड़े मेरे प्रभु, हर एक बैर भाव यीशु के नाम से इनके जीवनों से दूर होने पाए। यदि प्रभु इनके आपसी परिवार में लड़ाई झगड़े हैं प्रभु, घर से बाहर किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा होता है, ऑफिस में और ऑफिस से बाहर घर परिवार में जो लड़ाई झगड़े हैं लॉर्ड, इन सारी लड़ाई झगड़ों से आप अपने बेटे और बेटियों को बचाएं प्रभु। होने दे वो स्वभाव, ये आचरण, ये चाल चलन इनका बदलने पाए प्रभु जी, ये प्रेम करने वाले हो सके, जिस प्रकार आपका वचन कहता है कि तुम अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो। हालेलुया, मेरे परमेश्वर, जिस प्रकार आपका वचन कहता है कि पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है लॉर्ड, जब हम आपके बेटे और बेटियां हैं, हमने पवित्र आत्मा का शेक पाया है, हाँ मेरे खुदावन, तो प्रभु होने दे पिता परमेश्वर, इन भाई बहनों के अंदर प्रभु आपके नौ फल आने पाए प्रभु जी, प्रेम, भलाई, नम्रता, संयम,
दीनता प्रभु इनके जीवनों में आए, ये 9 फलों को आप इनके जीवनों में रिवील करे परमेश्वर, होने दे आत्मा के फल परमेश्वर तेरे बेटे और बेटियों के अंदर दिखने पाए प्रभु, और ये होने पाए परमेश्वर कि हम पवित्र आत्मा से अभिषेक किए गए लोग हैं। धन्यवाद, आपने इस भाई को आत्मा से अभिषेक किया है, आपने इस बहन को आत्मा से अभिषेक किया, इनके परिवार इनके बच्चों को आत्मा से अभिषेक किया है प्रभु, होने दे इनके अंदर प्रभु जी आपके फल पाए जाए प्रभु, कि ये प्रेम करने वाले, दया करने वाले, कृपा करने वाले, भलाई करने वाले, धीरज धरने वाले, संयमी होने पाए परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु कि ये फल आपके बेटे और बेटियों के अंदर पाए जाते हैं प्रभु। लॉर्ड, होने दे प्रभु हर एक बैर भाव प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवनों से दूर होने पाए मेरे प्रभु, हर एक जलन की भावना प्रभु जी, प्रभु एक दूसरे के प्रति जलन की भावना इनके जीवनों से चली जाए मेरे प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु कि प्रभु ये किसी से भी ईर्ष्या और जलन न रखने पाए, परंतु उनसे प्रेम करें और उनके भले की कामना करें, जिस प्रकार तेरा वचन कहता है कि तुम बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। होने दे प्रभु कि इनका स्वभाव ऐसा होने पाए प्रभु कि चाहे कोई इनका कितना भी बुरा करे, परंतु पिता ये उस भलाई को जो आपकी ओर से इन्हें मिली है प्रभु, उसे प्रभु उस दूसरे पर प्रकट करें और उसका जीवन भी प्रभु तेरी भलाई में गिना जाए परमेश्वर। थैंक यू जीसस मेरे प्रभु, जो रिश्ते में इनकी कड़वाहट है प्रभु, रिश्तों में दूरियां हैं पिता, यीशु के नाम से वो कड़वाहट दूर होने पाए, रिश्तों में दूरियां दूर होने पाए प्रभु, सब मेल मिलाप से रहने पाए, परिवारों में मेल मिलाप प्रेम को आप दीजिए परमेश्वर, ताकि कोई भी प्रभु कड़वाहट में, रिलेशन में, दूरियों में, जलन ईर्ष्या बैर भाव में अपना जीवन व्यतीत न करें, क्योंकि प्रभु ये सब हमारे जीवन को नाश करते प्रभु। होने दे शैतान के ये हथियार प्रभु इनके जीवनों में प्रभु सफल न होने पाए परमेश्वर पिता, क्योंकि जिस प्रकार तेरा वचन कहता है कि दुष्ट के कोई भी हथियार तुम पर सफल न होंगे, हाँ मेरे प्रभु दुष्ट तेरे लोगों के अंदर इन भावनाओं को डालकर प्रभु उस हथियार को इस्तेमाल करता। लॉर्ड, होने दे प्रभु दुष्ट के हथियारों को, इन बातों को हम नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। आज की सुबह में आप इन्हें नया करें, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि तुम मुझ में एक नई सृष्टि हो। हाँ मेरे परमेश्वर, वी ऑल आर न्यू क्रिएशन इन अ क्राइस्ट लॉर्ड फादर। थैंक यू फादर, हम सब आप में एक नई सृष्टि है परमेश्वर, हम सबको नया करें, आप अपना स्वभाव हमारे अंदर दें पिता, हमारा चाल चलन, हमारा बोल चाल, हमारा आचरण प्रभु पवित्र होने पाए परमेश्वर। थैंक यू जीसस, आपने ऐसा कर दिया प्रभु। आज के दिन में प्रभु ये भाई बहन जिस काम पर हाथ लगाएं वो काम सफल होने पाए, जो रुके हुए काम है वो सफल होने पाए, जो कमेंट्स भाई बहन हमें आज की सुबह में कर रहे प्रभु, अपने जिस भी निवेदन के लिए प्रभु जी, मेरे प्रभु मैं दुआ करती हूँ आज की सुबह में आप उनकी सुधि लेकर आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु। धन्यवाद, जो बीमार हैं उनकी सुधि लीजिए परमेश्वर, जिस प्रकार आपका वचन कहता है कि जब मैं बंदी गृह में था तो तुम मुझे देखने आए, और जब मैं बीमार था तो तुमने मेरी सुधि ली, उसी प्रकार परमेश्वर आज की सुबह में आप अपने बेटे और बेटियों की जो बीमारी में है, दर्द और पीड़ा में है, सुधि लीजिए प्रभु, इनकी बीमारियों से इन्हें छुटकारा दीजिए, जो हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन में है पिता यीशु इनके परिजन, और प्रभु यदि ये खुद भी हॉस्पिटल में एडमिट है, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु तेरा वचन उनके जीवन में कार्य करे, वो तेरे कोड़े खाने से चंगे हो गए पिता। धन्यवाद करते प्रभु, विशेषकर ये महामारी से परमेश्वर आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें, धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में आप इनको प्रभु अच्छा अपनी ज्ञान बुद्धि समझ दें और हर एक पाप से, हर एक अपराध से इन्हें प्रोटेक्ट करें प्रभु। धन्यवाद करते आज के दिन को आपके हाथों में सौंपते हुए, इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके परिवार को, सबको सुरक्षा दायरे में रखते हुए प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हम आप सब भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आपको हमें एक परिवार के रूप में दिया है, और सच में हम सब आपका, हम और हमारी पूरी टीम एक परिवार के रूप में आपका वेलकम करती है, कि सच में हम सब मसीह में भाई बहन हैं और हम सब का ब्लड रिलेशन है, क्योंकि एक ही लहू है जो यीशु मसीह ने हम सब के लिए बहाया है। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, और हम आपके निवेदनों के लिए जो आप हमें कमेंट्स के द्वारा, मैसेज के द्वारा भेजते हैं, निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।